पैसों के लेन देन का विवाद पहुंचा थाने, दोनों पक्षों ने की सुसाइड की कोशिश। आपको बता दें कि सिरसा शहर में पैसे के लेन देन का विवाद सिटी थाने तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए सुसाइड करने की कोशिश भी की। अब शहर थाना पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने में जुटी है। बयान के आधार पर जो भी कानूनी कार्रवाई हो वही की जाएगी। मामले के अनुसार दो बहनों ने किसी महिला से पैसे लिए हुए थे। पैसों की रिकवरी के लिए उन बहनों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। जब मामला बहनों ने अपने परिवार से साझा किया और उस महिला को लगा कि पेमेंट की रिकवरी नहीं होगी तो उसने फिनाइल पी ली। निजी अस्पताल में उसे एडमिट करवाया गया है। इस मामले में घबराती दोनों बहनों ने भी सल्फास की गोली खा ली। फिलहाल दोनों को ही सिरसा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आपको बता दें कि दोनों बहनों में से एक की तबीयत अब सामान्य है बल्कि दूसरी अभी भी बेहोश की स्थिति में ही है। परिवार का इस बारे में क्या कहना है आप भी सुनिए। मेरा नाम हरीश कुमार है। मेरे यहाँ पे सिरसा में कजिन रहते थे दो, उनकी जो दोनों मिसिज हैं वो आपस में बहने हैं। वो किसी मोहल्ले की लेडीज के संपर्क में आ गई, पैसे डे डे करने वाली थी या फाइनेंस करने वाली थी, वो उसने लूट के खा लिया इन दोनों को। इनका सारा तो वो सोना लेगी और इनके कम से कम 25 से 30 लाख रुपए कबूल कर रही है। उसके जो हाथ की डायरी है उस डायरी में 22.5 लाख रुपए उसने कबूल कर रखे हैं और 19 लाख 38 हज़ार कुछ रुपए उसने बकाया दिखा रखा अभी तक। वो लेडीज इनको किस चीज़ की धमकी देती थी, हमारी बिटिया ने कबूल किया अभी वो देती थी, ना तो कुछ बता रहे हैं ना कुछ समझ आ रहा है। ठीक है जी, किस चीज़ के उसने पैसे लिए हैं वो स्पष्ट हो जाए, क्यों लिए हैं, क्या इनको दिया था। गरीब घर हैं, रेड़ी लगाते थे, जो 2-3 हज़ार रुपये बनाते थे अपनी बीवियों को देते थे जाके, ये वो सारा पैसा खा गई। और इन्होंने हमारी भाभियों ने, जो हमारी बहुएं हैं, इन्होंने रिश्तेदारों से भी पकड़ पकड़ के पैसा उसको दे दिया, जिसमें मेरे भी हैं, सबके हैं, क्योंकि इनके परिवार पे एक दो मुसीबतें आई थी। 12 साल बाद बेटा हुआ, वो एक्सपायर हो गया था, परमात्मा ने 2 साल बाद दोबारा दिया है। वो मुसीबतें थी, हम लोग इनसे चोरी, अपने भाइयों से चोरी, मैंने भी दिए, सारे रिश्तेदारों ने दिए, हमारा पैसा भी उधर गया सारा, और किसी का पड़ोसी का कुछ जो था वो भी उधर गया सारा। वो सारा पैसा ये एक लेडीज़ खा गई है। ये रोज़ डरा धमका के पैसे लेती थी। बिटिया ने मुंह खोला है कि मैं भी दे के आती थी, और जब पैसे देने जाती थी तो ये बोलती थी कि टाइम से आया करो, घर आ गई तो जुलूस निकाल दूंगी। वो किस चीज़ का जुलूस निकालने की धमकी देती थी कुछ समझ नहीं आया। वो दोनों बहनें कल हमें SHO साहब ने बुलाया हुआ था, 2 बजे का टाइम था। हम लोग यहाँ पे जब 2 बजे पहुँचे, हम सारा परिवार यहीं बैठे हैं, रिश्तेदार भी, हम 50 बंदे 100 बंदे रिश्तेदार और 100 इनके मित्र मंडली यहाँ थे थाना में। तो इन पुलिस वालों ने बताया, डिपार्टमेंट ने बताया मैडम ने, कि वो फिनाइल वगैरह पी के पाखंड करके इसी हॉस्पिटल में भर्ती है वो। तो डिपार्टमेंट ने जैसे खबर हमारे घर पहुँची, हम लोग यहीं बैठे थे, वो हमारे वालियों ने कोई सल्फास की डिब्बी है उनके पास, कोई कड़क की कहाँ से ले आई कैसे नहीं भगवान जाने, वो डिब्बी वो खा गई कर गई, दोनों बहने खा गई हैं। सुसाइड नोट डिपार्टमेंट के पास है, हमें इन्होंने कॉपी दे दी है सुसाइड नोट की, और कार्रवाई की मांग है। दोनों इनको सिविल हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र कर दिया था जी, पहले तो अग्रवा था, अब यहाँ कोई लिंक थे जैसे भी डॉक्टर साहब ने उठाया, संजीवनी में एडमिट है। रात को एक को होश आ गया था, रात को 12:30-12 बजे, दूसरी अभी तक बेहोश है जी। मैं राजू, माला कुछ होने भाई, पता ही नहीं हो जनानी ने की कर रखे मेरी घर आई थी माँ से, लिया पैसे ले, पता ही कैसे, पता ही नहीं, 1 लाख रुपया रोज का, 50 हज़ार रोज का, जिमें फोन आता ना, रोटी खादी पीने से फ्रैश ही बैठिया ने, फोन आ गया 5 मिनट पैसे चक के सड़क से फड़ा के आदि ने, कोई लिखत कोई पढ़त कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा घर आएंगे, पैसा फटने घर चले जाएंगे, हमारे पता लगा सड़क पर आएंगे, पैसा फटेंगे घर चले जाएंगे, पता ही नहीं किन्ना रुपया आंती को नहीं पैसे था हमारे घर बताऊंगी, वो चाहे डरती थी बेस्ती से, हमारे घर के कोई क्लेश ना कुछ ना, उनको चक्कर में सारी ऐसी थी, वो फंसती गई, चली फंसती गया जी बैठा जी, रोड़ा ये पता नहीं हमें तो पता लगा जी बैठा जी, जब हमारा रोड़ा थोड़ा जो है ना घर में हमारा रोड़ा तो पता लगा। सतपाल जी, ये पता ही नहीं मैडम, ये मैडम 20 हज़ार चालू है, फिर कहती है हमने इससे लिया है घर से 2.5 लाख तक लिया है, वो हमारे घर की गैरेज उठी बोलती 2.5 तक ले, फिर ये पैसा आप पे बढ़ाते गए ऐसे लेते गए पैसे, ये काम हुआ है उन्होंने बताया है, पर रोज हमने सारी बात पूछा, सब बता दो मैं क्या सिस्टम है, कहते ये हुआ है हमारे साथ, तो और कोई नहीं है,